أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. मुहतरम हज़रात व ख़वातीन, छोटे बच्चों, अल्लाह ताला का फ़ज़्लो करम है कि खुतबे जुमा में हम शरीक हैं। मैंने सूरतुल माईदा की एक आयत आपके सामने तिलावत की जिसका तर्जुमा यह है, लक़द कफ़रल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा हुवल मसीह इब्नु मरियम। बिलाशुबा उन्होंने कुफ्र किया जिन्होंने कहा कि मसीह, यानी लक़ालु इन्नल्लाहु वल मसीह इब्न मरियम, बेशक लक़द कफ़रल्लज़ीना क़ालु इन्नल्लाहा हुवल मसीह इब्न मरियम, कि उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला का मुकाम मसीह इब्न मरियम को दे दिया, जिन्होंने कहा कि अल्लाह मसीह इब्न मरियम है, जबकि मसीह इब्न मरियम ने कहा इन्नल्लाहु रब्बी व रब्बुकुम फअबुदूहु हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम, बेशक अल्लाह मेरा भी रब है तुम्हारा भी रब है और यही सीधा रास्ता है। दोस्तों, अजीज़ों, माँ और बहनों, आज 23 दिसंबर है। अभी दो दिन के बाद 25 दिसंबर आने वाला है, जिसमें एक मशहूर ईद ईसाइयों की आती है जिसे क्रिसमस के नाम से याद किया जाता है। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम मुसलमानों के लिए इस्लाम में ये क्या हैसियत है, ईसा इब्ने मरियम की क्या हैसियत है, इस नबी की क्या हैसियत है, हम मुसलमानों को बताएं ताकि हमारे बच्चे सही अकीदे पर रह सकें। जब अकीदे में इतनी सारी आलूदगियाँ आ जाती हैं, अकीदे के इतने सारे बिगाड़ के असबाब पैदा हो जाते हैं, तो उलमा की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो कुरानी आयात की रोशनी में बताएँ कि इस ईद की हैसियत क्या है। और आप सुनते होंगे सूरत मरियम, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा वक़ालु इत्तख़ज़ अर्रहमान वलदा, ये वो लोग हैं जिन्होंने रहमान के लिए बेटा बना दिया, लक़द जिअ्तुम शैअन इद्दा तकादुस समावात, अल्लाह तबारक व तआला ने बात के आयतों में कहा कि कैसी बड़ी बात तुमने कह दी, तकादुस समावात, ऐसी बात जिससे आसमान फट जाए और ज़मीन शक हो जाए और पहाड़ गिर जाएँ कि हम कहें कि रहमान का बेटा है, जबकि अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद। मक्के के लोगों ने कहा ऐ अल्लाह, ऐ मोहम्मद, ऐसा करो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि, अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मक्के के लोग कह रहे हैं कि अल्लाह का लीनेज हमें बताओ, जैसे आपका लीनेज होता है, अल्लाह, अल्लाह का लीनेज क्या बोलेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह इखलास पढ़कर सुना दिया, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद, न उसको किसी ने जना है न वो किसी से जना गया है। अल्लाह तबारक व तआला ऐसा है, न वो किसी का बेटा है ना कि कोई बेटा उसका है। सुबहानहु व तआला अम्मा यसिफून, अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम चीज़ों से बड़ा पाक है। दोस्तों, अजीज़ों,
माँ और बहनों, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक हदीस आती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। वो कहते हैं, समिअतु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल अला इन्नहा सतकूनु फितना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि लोगो गौर से सुनो, फितने होंगे, दुनिया में फितने होंगे। आज आप जानते हैं कि कैसे किसे फितने रोनमा हो रहे हैं, अकीदे का फितना, ख़ानदानी रिश्तों का फितना, बेहिजाबी का फितना, आपसी ख़ानदानी निज़ात झगड़ों का फितना, कैसे कैसे फितने दुनिया में जन्म ले रहे हैं, ये मेरे नबी की बात है। कह रहे हैं अला इन्नहा सतकूनु फितना, ऐ लोगो तुम्हारे अंदर फितने रोनमा होंगे। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मल मुखरिज मिन्हा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ रहे हैं अल्लाह के नबी इससे कैसे बचा जाए, इन फितनों से बचने का क्या रास्ता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, किताबुल्लाह, अल्लाह ताला की किताब से लादिम पकड़ो, सुन्नत का मुकाम उसी में दाखिल हो जाता है। जैसे दूसरी हदीसों में बताया गया कि दो चीज़ें मैं तुम्हारे दरमियान छोड़े जा रहा हूँ, एक अल्लाह ताला की किताब है और दूसरा सुन्नत रसूल है। दोनों चीज़ों से चिमटे रहोगे तो फितनों से बचते रहोगे। अगर इन दोनों चीज़ों को छोड़ दिया, दूसरी चीज़ों में पड़ गए, तो फिर फितने तुम्हें अपने आगोश में ले लेंगे। कैसे कैसे फितने जन्म ले रहे हैं। अभी चंद दिनों पहले शकील बिन हनीफ का फितना हमने सुना कि एक मेहदी का दावा करने वाला, एक आम इंसान जो मेहदी का दावा करता है, 10,000 से जायद लोग उसके फितने में, शिकंजे में फंस चुके हैं। वो भी कॉलेज में पढ़ने वाले नौजवान, दीनदार नौजवान। इसका सबब यह है कि हमने अपने बच्चों को सब कुछ सिखाया लेकिन दीन नहीं सिखाया, दीन नहीं सिखाया, और हमने समझा कि यही उसकी कामयाबी की राज है। इसीलिए ऐसे दज्जाल, ऐसे फितना परवर लोग इनको अपने शिकंजे में फांसते हैं। ये वो फितने हैं जिसके बारे में मेरे नबी ने कहा अला इन्नहा सतकूनु फितना। दोस्तों अजीजों, मैं एक मिसाल आपके सामने बता देता हूं, चलिए मैं आपको सुनाता हूं, गौर से सुने। मेरे बच्चे को मैंने नमाजी बना दिया, कुरान नाजिरा पढ़ा दिया, जिक्र करने वाला भी बना दिया, बैठ के घंटों घंटों जिक्र करता है। दीन के अकीदे की बातें मैंने उसे नहीं बताई तो क्या होगा। चलिए हम आपको बताते हैं, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के खास दोस्तों में, जैसे आपका एक फ्रेंड सर्किल होता है जिसमें खास दोस्त होते हैं, जिसका आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, हर चीज शेयर करते हैं, वैसे हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के खास दोस्तों में एक आदमी था, उसका नाम था अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम। बड़ा खास दोस्त, हमेशा कुरान पढ़ता रहता, जिक्र करता रहता, बच्चों को बिठा के कुरान पढ़ाता। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बड़े खुश हुए देखकर। एक मरतबा वो आकर बोला, अमीरुल मोमिनीन, मेरी ख्वाहिश है कि मेरे कुरान का जो शौक है उससे लोगों को फायदा हो, आप मेरे लिए कुछ कीजिए। तो उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वो जमाने में मिस्र के जो गवर्नर थे अमर बिन आस रजी अल्लाह अन्, उनको खत लिखा कि अमर बिन आस, मैं एक ऐसे आदमी को आपके पास भेज रहा हूं जो मेरे से भी बढ़कर है। कौन कह रहे हैं? उमर रजी अल्लाह अन, उमर रजी अल्लाह ताला अन जो कह रहे हैं, खत लिख रहे हैं कि मेरे से बढ़कर है। वो जब आदमी आएगा तो उसके लिए ये सारे काम करें। क्या करें? एक बड़ा सा घर महल नुमा उसके लिए मुहैया करें, अरेंज करें, उसमें लोगों को जमा करें, वो कुरान पढ़ाएगा। ये कौन कारी था? अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम, बड़ा अच्छा सा दोस्त। वहां गया, मिस्र गया, तो कुछ ऐसे लोगों के साथ उसकी सोहबत हो गई, ऐसी टीम के साथ जो उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु पर इल्जाम लगाते थे कि ये अपने रिश्तेदारों को गवर्नरी दे देते हैं, ये माल में ऐसा वैसा खुर्द-बुर्द करते हैं। हालांकि उस्मान रजी अल्लाह अन्हु जामिउल कुरान कामिलुल हया इवल ईमान, उस्मान इब्न अफ्फान रजी अल्लाह ताला अन इससे बरी थे। नतीजा यह हुआ कि आप जानते हैं कि उन्होंने उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु को उनके घर में शहीद कर दिया,
उन लोगों के साथ उसकी दोस्ती हो गई। उसके बाद यही अब्दुर्रहमान इब्नु मुलजिम इतना कुरान पढ़ने वाला, इतनी नमाजें, लंबी लंबी नमाजें पढ़ने वाला, ऐसे कि उसकी पेशानी पर ऐसा निशान था जैसे बकरी के टखन घुटने पर निशान होता है, इतनी नमाजें, लंबी लंबी नमाजें। दीन नहीं सीखा उसने, सिर्फ जिक्र करना सीखा, कुरान पढ़ लिया, बस इतनी सारी सीखी। उस जमाने में जो सहाबा इकराम थे उन सहाबा से उसने दीन नहीं सीखा। नतीजा क्या हुआ? उसने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया। सिर्फ आदमी अगर जिक्र करने वाला बन जाए, सिर्फ कुरान को नादिरा पढ़ ले और उसके तदब्बुर और मानी पर गौर न करे, उलमा के साथ उसकी सोहबत न हो, तो ऐसे ही अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम बनते हैं। और कत्ल ही नहीं किया, यहां तक कि शरह में उलमा लिखते हैं, उसूलुल ईमान शेख मोहम्मद अब्दुल वहाब रहिमहुल्लाह की किताब है, उसकी शरह में लिखते हैं, जब उसकी कत्ल करने की बात आई तो उसने अपने कातिलों से कहा, देखो एक ही बार मुझे कत्ल नहीं करना, एक ही बार मेरी गर्दन नहीं काटना, ऐसा करो कत्तियु अतराफी, मेरी एक एक उंगली का पोरा काटो, वह अनअंदुर इलै, मैं उसकी तरफ देखता रहूं, मेरा एक कान काटो फिर एक उंगली काटो, मैं देखता रहूं, आखिर में मेरी जबान काटो ताकि मेरा जिक्र चलता रहे। समझ सकते हैं क्या जहनियत होगी? उतना अल्लाह का जिक्र करने वाला और उसका जहन ऐसा परागंदा किया गया, उसकी ऐसी ब्रेन वॉशिंग की गई कि उसने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को फजर की नमाज से पहले कत्ल कर दिया। और पूछे तो उसने कहा कि देखो मैंने सोचा कि क्या काम करो तो अल्लाह की कुर्बत मिल सकती है, कौन सा काम करो तो अल्लाह के नजदीक हो सकता हूं, तो अली के कत्ल से ज्यादा दूसरा काम मुझे नजर नहीं आया, तो मैंने हजरत अली का कत्ल किया। तो ऐसे ही बच्चों का जहन बिगाड़ा जाता है। अपने बच्चों को उलमा की सोहबत में बिठाओ, अपने बच्चों को अकीदा पढ़ाओ। अपने बच्चे अगर सिर्फ नादिरा कुरान पढ़ लेते हैं, दो चार दुआएं सुबह शाम की पढ़ लेते हैं, अगर आप समझते हैं कि मेरे बच्चे के लिए काफी है तो नामुमकिन है, ऐसा हरगिज नहीं है। कोई भी आएगा बहका के ले जाएगा आपके बच्चों को, आपके बच्चे बहक जाएंगे। अरे सहाबा के जमाने में जो जीता है अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम वो बहक सकता है, तो फिर आपकी और मेरी क्या बात है, हमारी औलाद की क्या बात है? तो दोस्तों अजीजों, ये फितने हैं, ये फितने हैं जो हर जमाने में शुरू होते हैं। और वैसे ही ये भी एक फितना है जो अकीदे का फितना है। जब भी ईद आती है, मुसलमानों में कितने ऐसे हैं जो ग्रीटिंग कार्ड्स भेजते हैं या किसी से मिलते हैं तो हैप्पी, यानी वो जो लफ्ज है वो लफ्ज मैं बोलना नहीं चाहता। अगर इस ईद के मौके पर कोई किसी को मुबारकबादी देता है तो सलफ ने लिखा है कि वो इस बात पर किसी को मुबारकबादी देता है, विश करता है कि अल्लाह का बेटा उसने बनाया है, तो ये काफिर हो जाता है, आदमी काफिर हो जाता है। किसी को आप मुबारकबादी देते हैं इस ईद के मौके पर, वो ट्री ले जाकर क्रिसमस ट्री देते हैं या मोमबत्तियां जलाई जाती हैं, इस ईद में खास तौर पर किसी को कार्ड भेजा जाता है, तो हम भी काफिर हो जाते हैं, अलैहियाज़ु बिल्लाह। ये कुरान कहता है, कुरान की सारी आयतें हैं, लकद कफर अल्लज़ीन क़ालू इन्नल्लाहा हुवल मसीह इब्न मरियम, सूरतुल माईदा आयत नंबर 17। दूसरी आयत सूरतुन निसा आयत नंबर 171, या अहलल किताब ला तगलू फी दीनिकुम वला तकूलू अलल्लाह इल्लल हक। ऐ अहले किताब, अल्लाह ताला बराहे रास्त अहले किताब से, ईसाइयों से कह रहा है, ला तगलू फी दीनिकुम, अपने दीन में गुलू न करो, अल्लाह ताला पर उतना ही बोलो जितना हक है। इन्नमल मसीह ईसा इब्न मरियम, मसीह ईसा इब्ने मरियम हैं, ईसा इब्ने मरियम हैं, वो मरियम के बेटे हैं, रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के रसूल हैं। दोस्तों अजीजों, ये और बात है कि हम ये पैगाम लोगों को पहुंचाने से रहे। आप हर जगह जब जाते हैं, आपके मासूम बच्चे, हम मानते हैं कॉन्वेंट में पढ़ाने से बच्चा अच्छी इंग्लिश बोलता है, चलो कॉन्वेंट में पढ़ा लिया कोई बात नहीं, लेकिन बच्चा जब अच्छी इंग्लिश बोलता है तो उसके अकीदे पर भी डाका पड़ जाता है, इसका भी तो एहसास होना चाहिए।
हम मानते हैं कि हमारा बच्ची हमारी बच्ची जब कॉन्वेंट में पढ़ती है तो अच्छी इंग्लिश बोलती है लेकिन कपड़े भी छोटे हो जाते हैं, इसको भी आप मानेंगे? अरे जब आप फायदा मानते हैं तो नुकसान को भी मानिए ना, कि वहां क्या क्या नुकसान होता है। ठीक है, आप जब कॉन्वेंट में पढ़ाते हैं तो आपके बच्चे के अंदर डिसिप्लिन भी आ जाता है, लेकिन रोजाना कॉन्वेंट में जब प्रेयर में खड़ेगी तो वहां असेंबली में वो बहुत वो करेगी जो इस्लाम के मुखालिफ है, वहां तसलीस का वो अकीदा लेगी ट्रिनिटी का, और साथ साथ वो वहां ईसा वहां वो जो बुत वहां नसब किए जाते हैं उन बुतों को देखेगी। ये सारे अकीदे की चीजें उस पर मुसल्लत होती हैं, इसे भी आपको मानना पड़ेगा। आगे अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं इन मसल ईसा इंदल्लाहि कमसल आदम, ईसा अलैहि सलाम की मिसाल अल्लाह ताला के पास आदम की जैसी है। हम मानते हैं कि ईसा अल्लाह नहीं है, इंसान है। अल्लाह ताला ने कहा कि वो उनकी अम्मी खाना खाते थे या कुलान, दोनों खाना खाते थे। अब जब खाना खाते हैं तो पेशाब पाखाना होता है। अल्लाह ताला इन तमाम चीज़ों से बेनियाज है, पाक है अल्लाह की ज़ात, सुबहान अल्लाह ताला, सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला की ज़ात इन तमाम चीज़ों से पाक है। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने कहा वकौलिहिम इन्ना क़त्लनल मसीह ईसा इब्न मरियम रसूलल्लाह वमा क़त्लू वमा सलबू वलाकिन शुब्बिहा लहुम, और ये लोग जो अपने गर्दनों में बड़े शौक से वो निशान क्रॉस का निशान पहनते हैं और कहते हैं कि यही वो है जिस पर वो फांसी लगाए गए, अल्लाह को कोई कैसे फांसी लगा सकता है? सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला के सामने तो सारी मखलूक आजिज है, सारी मखलूक कमजोर है। अल्लाह ताला के जो फरिश्ते हैं वो फरिश्ते इतनी ताकतवर हैं, कौम लूत की बस्ती लूत जो मुआशरे में गे के नाम से जाने जाते हैं, जिसको हुकूमतें कानूनी तौर पर मानना चाहती है आज के ज़माने में, वो गलत आदत उस गांव वालों में थी कौम लूत की बस्ती में। अल्लाह का आज़ाब आया तो एक फरिश्ता उस सारी बस्ती को अपने कंधे पर उठाया, सारी बस्ती के सारे खेतियां खलियान उनके बागात उनके घर उनके जानवर उनके इंसान जो 10 लाख की आबादी पर मुश्तमिल थे सारों को उठाकर आसमान तक ले गया। आसमान के फरिश्तों ने उन जानवरों के हिनहिनाने की आवाज सुनी, फिर सारी बस्ती को वहां से नीचे दे मारा। जब अल्लाह के फरिश्ते की ये ताकत है, अल्लाह ताला के पास जुंद अल्लाह अल्लाह की जो फौज है उस फौज की बहुत बड़ी ताकत है। अल्लाह ताला ऐसी चीजों से बेनियाज है जिसको ये लोग अल्लाह ताला के साथ जोड़ते हैं। दोस्तों अजीजों माँ और बहनों, अल्लाह तबारक ताला ने कुरान मजीद में सूरत ज़ुख़रुफ़ आयत नंबर 59 अल्लाह ने कहा इन हुवा इल्ला अब्दुन, ईसा अलैहिस्सलाम हमारे बंदे हैं, वो ना तो अल्लाह के बेटे हैं। ये लोग मानते थे कहते थे कि ईसा इब्नुल्लाह हैं, अल्लाह के बेटे हैं। यहूदियों ने कहा वकालतिल यहूद उज़ैरुन इब्नुल्लाह, उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं। कुरैश ने कहा कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं। अल्लाह ने तमाम चीज से कहा कि नहीं, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अल्लाह ताला इन तमाम चीजों से बेनियाज है। तो थोड़ी चीजें अपने बच्चों के दिमाग में बिठाएं कि इस्लाम इस्लामी अकीदे के मुताबिक अल्लाह ताला की कोई औलाद नहीं है। ये जो क्रिसमस की ईद है बड़े लोगों को जहां असर करती है वहां बच्चों पर भी असर करती है। बच्चों पर कैसे असर करती है? सांता क्लॉज के नाम से जाने जाते हैं कि वो एक बूढ़ा आता है, रात में आके जूते में खिलौने रखे जाता है। छोटे बच्चों पर भी उसका ये होता है, छोटे बच्चे खिलौने से प्यार करते हैं। देखा कि इस ईद को कैसा उन्होंने मजहबी बनाया, कैसे अपने असरात छोड़े। 992 बिलियन इतनी सारी मिलियन इतनी सारी मखलूक दुनिया में है तो ये सांता क्लॉस एक सेकंड में 800 से जायद घर घूमता है, घूम सकता है एक सेकंड में 800 घर घूम सकता है। लेकिन ये जो इतने सारे लैपटॉप बनाते हैं स्मार्टफोन बनाते हैं लेकिन इनकी अकल मानती है कि हाँ सांता क्लॉस सारी दुनिया घूम के खिलौने छोड़ के जाता है, तो ये बच्चों पर छोड़ने वाले अकायद हैं।
और यही इसी को लेकर दुनिया में गरीब मुल्कों में जहां गुर्बत है खिलौने बांटे जाते हैं, गिफ्ट पैक भेजे जाते हैं, बच्चे उसको देखते हैं, इसमें उनके असरात होते हैं, अकीदे के लिहाज से उनकी अगर वो मुसलमान हैं तो उन खिलौनों को लेते हैं इसलिए कि मुसलमान टॉयस को पसंद करते हैं, यानी बच्चे हैं, मुसलमान नहीं कोई भी बच्चा है टॉयस को पसंद करता है। तो ये सारे इनके पीछे मकासिद हैं कि अपने अकीदे को लोगों पर राइज किया जाए, अपना अकीदा फैलाया जाए। दोस्तों अजीजों, माँ और बहनों, अल्लाह तबारक तआला ही कहते हैं इन हुवा इल्ला अब्दुन, ईसा अलैहि सलाम हमारे बंदे हैं। तो पहले तो बात यह मालूम होनी चाहिए कि इस्लाम के मुताबिक अल्लाह ताला की कोई औलाद नहीं है, जैसे अल्लाह ताला ने कहा वकालु तखदर रहमान वलदा लकद जी तुम शे अन इद्दा, ऐसी बात तुम जबान से निकाल रहे हो जिससे आसमान और जमीन फट जाए, पहाड़ गिर पड़े। तो मैं अपने मुसलमान भाइयों से कहता हूं जो इस ईद के मौके पर ईजी लेते हैं, बहुत ईजी लेते हैं, कोई भी आया गले मिल लिया, कोई किसी को भी मैसेज कर दिया, किसी को भी विश कर दिया, और बास दुकानदार तो अपने दुकानों में ये चीज़ें सजाते हैं, क्रिसमस ट्री सजाते हैं, मोमबत्तियां सजाते हैं या ऑफर रखते हैं, कहा कि गोया आपने उनके कुफ्र में आपने मुसानदत की, मुआवनत की, सपोर्ट किया। अल्लाह से तौबा करें, इस चीज में हरगिज शामिल ना हो। जैसे हमने कहा कि किसी को अल्लाह का बेटा कहना कितना खतरनाक है, सूरत मरियम में अल्लाह ताला ने कहा ऐसी बात जबान से आप निकाल रहे हैं, किसी को सपोर्ट कर रहे हैं कि इतनी खतरनाक बात है। इसी तरह हदीस में बताया गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग अल्लाह ताला के ताल्लुक से क्या क्या बातें कहते हैं। एक आदमी उससे सवाल करते हैं कि शेख आप बोलते हैं कि इतनी गलत बात है, ईसा कहने वालों पर अल्लाह का अजाब आता है, तो फिर ये यूरोप और अमरीका वाले हमसे ज्यादा मजे में हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास बड़ी बड़ी सी चीज़ें हैं। बोला कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में बतलाया कि बनी आदम अल्लाह ताला को बुरा कहता है। कैसे बुरा कहता है? कहता है कि दोबारा हम जिंदा नहीं होंगे, दोबारा अल्लाह हमको नहीं बनाएगा, दोबारा अल्लाह हमसे नहीं पूछेगा, हालांकि मुझे बनाना बड़ा आसान है, लेकिन फिर भी अल्लाह सब्र करते हैं, उनको आफियत देते हैं, उनको रिस्क देते हैं। अगर वो लोग रिस्क लेते हैं, अगर वो आफियत में हैं, तो ये अल्लाह की ढील है, अल्लाह ताला उन्हें ढील देते हैं, ये तदरुज है, अल्लाह ताला की तरफ से मोहलत है जो अल्लाह ताला उनको मोहलत देते हैं। इसी तरह ये जो चीजें होती हैं अल्लाह ताला की ताल्लुक से, यानी ये लोग जो कुछ करते हैं, तसलीस का अकीदा हो या दीन में गुलू हो, जैसे इनके पास हम देखते हैं, इन तमाम चीज़ों से अपने आप को बचाने की कोशिश करें। और इसीलिए कहा कि काफिरों की ईद में शिरकत न की जाए, ऐसी शिरकत जिसकी वजह से उनको लगे कि आप उनकी तरफदारी करते हैं, आप कल्बी मोहब्बत आपकी हो, और कहें कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने सुना होगा हदीस में आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तौरात की बास चीज़ें पड़ी जाने लगी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा बदल गया, बोला लौकान मूसा हयन, अगर आज मूसा अलैहि सलाम भी होते तो मुझे मेरी इतिबा वो करते, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि आप कुरान पढ़ें, कुरान को तरजीह दें, कुरान के आने के बाद सारी आसमानी किताबों की हैसियत ख़त्म हो जाती है, वह अमल के काबिल नहीं, लेकिन ईमान आप लाएंगे, ईमान मुजमल होगा, जो जो सही किताबें हैं आप उसे मानेंगे लेकिन अमल के लिए नहीं। बोला कि अब आपका अमल कुरान पर होगा और कुरान ऐसी किताब है जिसमें कोई बातिल दाखिल नहीं हो सकता। तो दोस्तों अजीजों, ये चंद बातें मुझे आपसे कहनी थी। तो जब भी इस तरह की ईद का समा आता है तो अपने आप को समझें कि आप और हम मुसलमान हैं, इस्लामी अकीदे की हिफाजत ये सबसे बड़ी चीज़ है। अगर स्कूलों में इस मुनासबत से तोहफे बांटे जाते हैं, अगर स्कूलों में इस मुनासबत से ड्रामे होते हैं या कोई ये फंक्शन होते हैं, तो अपने औलाद को उससे दूर रखें, हम मुसलमान हैं। और ये ऐसी चीज़ें हैं जो कुफ्र के माहौल तक आदमी को पहुंचा देती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब
एक अदी बिन हातिम और दूसरे साहबा के पास वो चीज़ें देखी तो कहा कि अपने गले से ये चीज़ें उतार दो, यानी ऐसी चीज़ें जिसमें शिर्क की बो आती थी, कहा कि इस चीज़ को अपने गले से उतार दो। तो दोस्तों अजीज़ों, अपने बच्चों का ख्याल रखें, सही अकीदे को उनके अंदर पैदा करने की कोशिश करें, अपने बच्चों को उलमा की सोहबत में बिठाएं, उन्हें दीन सिखाएं। कभी ये न सोचें कि मेरे बच्चे जो कुछ कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, दीन से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। आपके बच्चे कुछ भी पढ़ लें, अगर दीन से उनका ताल्लुक नहीं है तो ये चीज़ बेकार है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के अकीदे की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हम में से जितने भी हाजिर हैं, अल्लाह ताला हम तमाम को अपना मुती और इताद गुजार बंदा बनाए रखे। ऐ इलाहुल आलमीन, हमसे जो गलतियां हो जाती हैं, खताएं हो जाती हैं, या अल्लाह हम तमाम के खताओं को माफ़ फरमा। या अल्लाह हमें सही अकीदा अता फरमा। या अल्लाह हमने जो गुनाहें की हैं, या अल्लाह उन तमाम की बख्शिश फरमा दे। ऐ इलाहुल आलमीन, हम में से जो लोग दुनिया से जा चुके हैं, हमारे आबा वाजदाद असलाफ, या अल्लाह सब की मगफिरत फरमा। या अल्लाह उनके कब्रों को नूर से भर दे। ऐ इलाहुल आलमीन, तो हर चीज़ पर कादिर है, हम में से जो मजबूर हैं, बेकस हैं, या अल्लाह कर्ज़दार हैं, या अल्लाह उनके दामन को तेरे ख़जानों से भर दे। या अल्लाह हम सब के मालूमता में बरकत इनायत फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन, ख़ास कर हम में से जो बीमार हैं उन्हें शिफायाबी अता फरमा, शिफाए कुल्ली अता फरमा। दोस्तों अजीज़ों, जुमे का वक्त दुआ की कबूलियत का वक्त होता है, तो कुछ लोगों ने हमसे दुआ की दरख्वास्त की है, आप उनके लिए दुआ करें। एक बुज़ुर्ग खातून हैं नुज़द हुसैन साहिबा, जो ब्रेन हैमर का शिकार हैं, उन्होंने दुआ की दरख्वास्त की है, आप उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उन्हें मुकम्मल शिफायाबी अता फरमाएँ। एक और बच्चा अडियार कैंसर हॉस्पिटल में है, जो अनीस, छोटा बच्चा 10 साल का है, आप उसके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मुकम्मल शिफायाबी अता फरमाए। ऐसे बहुत सारे ऐसे बीमार जिन्होंने दुआ की दरख्वास्त की है, सब के लिए आप दुआ करें कि अल्लाह ताला उन तमाम को शिफाए कुल्ली अता फरमाए, शिफाए आजिला अता फरमाए। ऐ इलाहुल आलमीन, हम में से जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह हम सब का मावा व मलजा तू है। या अल्लाह हम में से जो नौजवान हैं उन्हें अच्छे रिश्ते अता फरमा, हिशमत इफ़त और इस्मत की दौलत इनायत फरमा। आमीन सदकल्लाहुल अलील अज़ीम व नफ़ानी वैयाकुम बिलायाति वज़िक्र हकीम इन्नहु तआला जवादुन मलिकुन करीमुन बर्रऊफुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नूमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأكبر